Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. Namaskar. Welcome to Sleep Stories with me, Jayashree Khatri. आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत मज़ेदार कहानी. आज की हमारी स्टोरी है महिलामुख नामक हाथी की. बहुत समय पहले की ये बात है. राजा चंद्रसेन के अस्तबल में एक हाथी रहता था जिसका नाम महिलामुख हाथी था. महिलामुख हाथी बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु स्वभाव का था. उस राज्य के सभी निवासी महिलामुख से बहुत ही प्रसन्न रहते थे. राजा को भी महिलामुख पर बहुत ही गर्व था. एक दिन महिलामुख के अस्तबल के बाहर चोरों ने अपनी झोपड़ी बना ली. चोर दिन भर लूटपाट और मारपीट करते और रात को अपने अड्डे पर आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे. चारों चोर अक्सर अगले दिन में क्या करना है उसकी योजना भी बनाते थे कि किसे और कैसे लूटना है. उनकी बातें सुनकर लगता था कि वो चारों चोर बहुत ही खतरनाक थे. महिलामुख हाथी उन चोरों की बातें अक्सर सुनता रहता था. कुछ दिन बाद हाथी पर चोरों की बातों का असर होने लगा. महिलामुख को लगने लगा कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है. इसलिए महिलामुख ने फैसला किया कि अब से वो भी चोरों की तरह दूसरों पर अत्याचार ही करेगा. महिलामुख ने सबसे पहले अपने महावत पर वार किया और महावत को पटक डाला. इतने अच्छे हाथी की ऐसी हरकत को देखकर सारे लोग बहुत परेशान हो गए. महिलामुख किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था. राजा भी महिलामुख का ये अवतार देखकर बहुत ही चिंतित हो रहे थे. फिर राजा ने महिलामुख के लिए एक नए महावत को बुलाया. उस नए महावत को भी हाथी ने मार गिराया. इस तरह बिगड़ेल हाथी ने चार चार महावत को मार गिराया. महिलामुख के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था. जब राजा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक बुद्धिमान वैद्य को बुलाया हाथी के इलाज के लिए. राजा ने वैद्य जिससे आग्रह किया कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी महिलामुख का इलाज करे ताकि वो राज्य में तबाही का कारण न बन सके. वैद्य जी ने राजा की बातों को गंभीरता से लिया और जल्द ही महिलामुख पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी. वैद्य जी को जल्दी ही पता चल गया कि महिलामुख में आए ये परिवर्तन का कारण वो चारों चोर है. वैद्य जी ने महिलामुख के व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण राजा को बताया और कहा कि चोरों के अड्डे के बाहर लगातार सत्संग का आयोजन कराया जाए ताकि हाथी का व्यवहार पहले की तरह हो सके. राजा ने ऐसा ही किया. अब अस्तबल के बाहर हर रोज सत्संग का आयोजन होने लगा. धीरे धीरे महिलामुख की दिमाग की हालत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते महिलामुख हाथी पहले जैसा उदार और दयालु बन गया. अपने पसंदीदा हाथी के ठीक हो जाने पर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए. चंद्रसेन ने वैद्य जी को प्रसन्न होकर अपनी सभा में बुलाया और उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए. आज की हमारी कहानी का मोरल ये है कि संगति का असर बहुत जल्दी और गहरा होता है. इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर.